इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, पर क्या अब लॉकडाउन के बारे में सोचना या इस पर अमल करना मुखालिफ सिमत में जाने के बराबर नहीं है? रियासत की जानिब से भी कई बार कहा गया कि अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा, पर कुछ इलाकों में लॉकडाउन खुद मोहल्ले वालों ने ही अपने आप पर थोप लेने का फैसला किया है। खैर, यह बिल्कुल सही ना होगा कि फिर से लॉकडाउन का मोहल्ले में हफ्ते 10 दिन के लिए छोटे कारोबारियों को बंद करके एक तरह का खौफ का माहौल फिर से ईजाद किया जाए। सभी जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों के बाद अब कुछ लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अपने कामों की तरफ निकल पड़े हैं। उन गरीबों से सवाल पूछा जाए कि दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मजदूर पेशा लोगों के लिए कितना मुश्किल है। बेलगाम के अनगोल में भी लॉकडाउन को लेकर जल्द फैसला लिया जाने वाला। यकीनन मरीजों की तादाद बढ़ रही है, पर अस्पताल भी खुले हुए हैं और दवाइयाँ भी आसानी से मुहैया हो रही हैं। कई जगहों पर ऑक्सीजन की सहूलतें भी हासिल हो रही हैं। घरों में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी अब बढ़ती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी इंतहाई निचले मियार पर पहुंच चुका है। ऐसे वक्त में फिर से लॉकडाउन की तरफ पलटना क्या सही होगा, ऐसा सवाल भी कई लोगों की जानिब से पूछा जा रहा है। आज फिर बेलगाम जिला में 400 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मरकजी रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी भी पॉजिटिव पाए गए। रेल मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि पॉजिटिव हूं पर तंदुरुस्त हूं। वादा रहे, इससे पहले एमएलए अनिल बैन के, एमएलए अंजलि निम्बाड़कर भी पॉजिटिव हुए थे, पर अब सब ठीक ठाक है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस कदर कोरोना बीमारी को लेकर प्रोपोगंडा किया गया, दरअसल उतनी खतरनाक बीमारी है ही नहीं। लिहाजा डर खौफ का माहौल इस कदर बनाया गया कि लोग अस्पताल में दाखिल होते ही ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते थे। इंसान का जिस्म बीमार होने से पहले जहन बीमार होता है, ऐसा भी कई डॉक्टर्स कहते। लिहाजा बंद अस्पताल, दवाइयां आसानी से ना मिलना, कोरोना टेस्ट के बगैर अस्पतालों में दाखिल न करना, यह तमाम वजूहत है जिससे मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 6 महीनों में कई लोगों की मौत हो गई और यह मौत सिर्फ कोरोना से हुई है कहना गलत होगा। ऐसी अफवाहें भी गश्त कर रही है कि पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ाने से हुकूमत को पैसे मिलते, लिहाजा भारत का पॉजिटिव मरीजों में पहले नंबर की तरफ बढ़ना भी इसी का हिस्सा है। इसमें कुछ सच्चाई है या महज अफवाह है, इसका इल्म तो या तो सेहत महकमा WHO को ही पता हो सकता है। बेलगाम शहर का मशहूर संगोली रायना घोटाला कुछ नतीजे कुन मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। वैसे तो यह मामला 250 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का है, पर जो ईडी की कार्रवाई हुई है इससे कितनों को पैसे मिलेंगे यह सवाल आज भी बाकी है। ईडी ने संगोली रायना सोसाइटी के चेयरमैन आनंद पुगोड़ पर, आनंद पुगोड़ की मिल्कियत पर कानूनी कब्जा तो कर लिया और कुल रकम 32 करोड़ तक की होने की इत्तला हासिल हुई। 2017 में संगोली रायना सोसाइटी घोटाले की खबर आम हुई। वैसे तो जितने भी इन्वेस्टरों ने इसमें रकम डिपॉजिट की थी, जाहिर है सूद ज़्यादा हासिल हो इसी नियत या तो इसी लालच में ही की थी। खैर, कुछ गरीब मजदूर लोगों ने भी इसमें कुछ रुपये जमा किए हुए थे। जब यह मामला मंजर आम पर आया तो सभी ने अपने पैसे किस तरह हासिल हो सकते हैं कोशिश की। कुल 16 मुकदमे भी दायर किए गए। चेयरमैन आनंद पुगोड़ की गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। कुल 275 करोड़ 54 लाख का घोटाला दर्ज किया गया। 13 डायरेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया गया। फर्जी खातों के जरिए करोड़ों की रकम बतौर कर्ज दिए जाने की बात सामने आई। ईडी मोहकमा पिछले अगस्त महीने में तफ्तीश के लिए बेलगाम जिले में ही मौजूद था। दौरान तहकीक ईडी ने 110 मिल्कियतों की तहकीक मोहकमे के जिम्मेदारी अशोक तेली पर रखी गई। जब आवाम के 300 करोड़ रुपए के मामले ईडी की जानिब से जब्त की गई रकम किस मिकदार में तकसीम किए जाएंगे और किन लोगों को यह रकम हासिल होगी, यह भी एक सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बता देगा। पूरे देश में कोरोना कहर और लॉकडाउन के फैसले के बाद बेरोजगारी, महंगाई ने अपनी तारीखी सर उठाया। मैशत तो मुकम्मल तौर पर जमीन में धस चुकी है। लिहाजा नौजवान जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते थे, लाखों की तादाद में बेकार हो चुके हैं। अब दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता जा रहा। लिहाजा नौजवानों का बड़ा तबका अब चोरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। पिछले कुछ दिनों से रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में मंदिरों की चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है।
आज मंडा शहर के सरहद पर वाके अराकेश्वर मंदिर में चोरों ने हमला कर 3 पुजारियों का कत्ल किया और तमाम दान पत्र को लूट कर ले गए। इस मंदिर की देखरेख कर्नाटक हुकूमत करती है। बताया जा रहा है कि मंदिर की तहफूज के लिए पुजारी मंदिर के अंदर ही सोते थे। पुलिस अफसर ने बताया कि दान पात्र से पूरे पैसे लूट ले गए और कुछ चिल्लर जैसे सिक्के फेंक कर चले गए। दान पात्र मंदिर के बाहर फेंके गए थे। डीजीपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि तीनों पुजारियों की उम्र 50 साल के करीब हो सकती है। कातिलों का दस्ता भी 4 से जायद हो सकता है, ऐसा भी बताया। बेलगाम शहर और अतराफ में भी आपने देखा होगा कि किस कदर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों को चोरों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 15 दिनों में तकरीबन 8 मंदिरों में चोरी होने की खबर हासिल है। कलखाम, वड़गांव, अलदगा, कंगराली और भी दिगर देहातों के नाम है जहां पर मंदिरों को निशाना बनाया गया और वहां की दान पेटियां यानी कि दान पात्र जो नजराना पेश किया जाता है उसको चोरों ने लूट लिया। मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करें, ऐसा अवाम का कहना है। अक्सर यह देखा जाता है कि जुर्म के बादशाहों को हुकूमतों की पनाह मिलती है पर मामूली पैदे शहीद हो जाते हैं। जब से सुशांत सिंह खुदकुशी मामला चल रहा है ऐसा लगता है कि अब सिर्फ देश की असल मुश्किल ही यही है। लिहाजा गोवा कर्नाटक से नशीली चीजों का गैर कानूनी कारोबार बड़े पैमाने पर चलने की इत्तला इसी मामले की एक कड़ी में सामने आया है। कई बड़े सियासी सुरमा इसमें अपने खदमात अंजाम देने की भी इत्तला हासिल हो रही है। कई MLAs की गाड़ियों तक इसमें इस्तेमाल होने की खबर हासिल हुई। आप देखेंगे कि आप पन्नों पर अगर गौर करेंगे अखबारों के तो छोटे मोटे गांजा फरोख्त करने वाले ही पकड़े जाते दिखाई देते हैं। जो बेलगाम शहर और अतराफ में गांजा बेचने वाले या खेतों में गांजा गैर कानूनी तौर पर उगाने वालों को गिरफ्तार होते रहते हैं। नशा छोटा हो या बड़ा सभी को गिरफ्तार होना चाहिए। गलत चीज़ों की मिकदार जो भी हो गलत कभी सही नहीं हो सकता, लिहाजा हराम चीज़ों की कोई मिकदार नहीं होती। पर सवाल यह उठता है कि गली मोहल्लों में छोटे मुजरिम पकड़े जाते हैं और फिर रिहा भी हो जाते हैं, वही कारोबार करते रहते हैं, पर वह लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते जो फिल्मी अदाकारों को नशा यानी ड्रग्स सप्लाई करते हैं। बेंगलोर की फिल्म अदाकारा रागिनी को तो गिरफ्तार किया गया पर कभी इसकी पूरी चेन पकड़ी नहीं जाती। पर यह पहली मर्तबा नहीं रहता, अक्सर यही होता रहता है कि कोई बड़े आदमी की मौत होती है, कभी कभार सियासी मुफाद हासिल करने के लिए मामले को छोटा या बड़ा बना दिया जाता, तब इसको खूब चर्चा तबसरा किया जाता है। आवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आती है पर कुछ वक्फे के बाद मामला सर्द हो जाता है क्योंकि हमारे माशरे में उमूमन अमीरों के मामले छिपाए जाते हैं। गरीब का जुर्म तो जुर्म अजीम होता है पर अमीर का जुर्म भी अजमत वाला कहा जाता है। लिहाजा अब तक जो गरीब मुफलिस मजबूरन जुर्म की तरफ बढ़ते हैं इनकी गिरफ्तारियां अमल में आती है और इन्हें भी गिरफ्तार करना है जो जुर्म करता है छोटा हो या बड़ा। पर जो सफेद पोश 5 सितारा होटलों की चकाचौंध में जो जुर्म अंजाम देते रहते हैं ये कभी गिरफ्तार नहीं होते, इन्हें तो तहफ्फुज़ मिलता रहता है। आज अखबारों में अक्सर खबरें तो गांजा फरोख्त करने वालों की आ रही है पर वो लोग कहाँ हैं और क्यों गिरफ्तार नहीं हो पाते जिनकी पनाह सियासी कुर्सियों की आड़ में नशे का कारोबार करोड़ों में और विदेशों में भी करते रहते हैं। ऐसा अवाम का सवाल है, क्या वाकई अंडरवर्ल्ड सियासी लीडर और नशे के कारोबारियों की सांठगांठ है? अगर है तो इनका पर्दाफाश क्यों नहीं होता? इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।